1.1 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सो इन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट दैट द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते हैं पहला का पहला पार्ट करें रिलेशन आर इन सेट ए एक सेट ए है 1 2 3 अप टू 13 14 यहां तक के इसमें एलिमेंट्स हैं डिफाइंड रिलेशन आर इन सेट ए का उसने आर इन सेट ए इसका मतलब क्या है कि जो आर होगा वो सबसेट होगा किसका ए क्रॉस ए का इसको लिखेंगे कैसे उसने कहा है आर एक्स वाई ये रिलेशन है हमारा यानि कि थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये है कि जो ए क्रॉस ए कार्टोजन प्रोडक्ट होगा उसमें से हम रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स बाहर निकालेंगे जो कैसे रिलेटेड हूँ थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो वे ऑब्वियसली एक्स एंड वाई बोथ आर रिलेटेड टू वॉट सेट ए तो देखते हैं आर रिलेशन में कैसे कैसे पेयर uh, होंगे वेन एक्स इक्वल टू वन देखो थ्री एक्स माइनस इक्वल टू क्या होगा वाई थ्री एक्स ना तो वैन एक्स इक्वल टू वन वाईक्वल टू थ्री वैन एक्स इक्वल टू टू वाईक्वल टू सिक्स वेन एक्स इक्वल टू थ्री वाईक्वल टू नाइन एंड वेन एक्स इक्वल टू फोर वाई ट्वेल्व ठीक है वेन एक्स इक्वल टू फाइव टू फिफ्टीन और ये हमने गलत लिख दिया क्यों क्योंकि फिफ्टीन यहाँ है ही नहीं देखो एक्स और वाई दोनों किस में होने चाहिए मैं लिखता था ना रिलेशन बताता था एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू दिस एंड दिस ए से बिलोंग होना चाहिए तो देखो ये होना चाहिए यानी कि हमारा रिलेशन ये है अब ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों क्योंकि वन वन टू टू ठीक है थ्री थ्री और ऐसे कहाँ तक फोर्टीन फोर्टीन तक रिलेशन में नहीं है ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट अगर रिलेशन में मौजूद हैं तो क्या है वो रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक देखो वन थ्री बिलोंग्स टू आर है बट थ्री वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ठीक है ट्रांसलेटिव चेक करते हैं वन थ्री है थ्री नाइन है वन नाइन नहीं है ए बी है बी सी है ए सी नहीं है आगे के एलिमेंट चेक ही नहीं करने तो वन थ्री बिलोंग्स टू आर एंड थ्री नाइन बिलोंग्स टू आर बट वन नाइन डज नॉट बिलोंग्स टू आर सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं था ट्रांजिटिव ठीक है तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं देखते हैं सेकेंड पार्ट

and x is less than 4 देखो उसने कहा है आपके अकॉर्डिंग ये x इससे बिलोंग करना चाहिए ठीक है और y इससे बिलोंग करना चाहिए फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उसने x less than 4 भी कहा है एक्चुअली उसने x 4 इस रिलेशन के लिए कहा है इस रिलेशन के लिए यानी कि उसने जो सब्जेक्ट जो कंडीशन दी है वो इस रिलेशन के लिए दिए तो देखो इसको हम सबसे पहले किस में रखेंगे um टेबुलर फॉर्म में रखेंगे देखो क्या होगा when x 1 क्योंकि फोर से छोटा नेचुरल नंबर ए हो सकता है वन होगा तो वाई इक्वल टू सिक्स हो जाएगा वेन एक्स इक्वल टू टू वाईक्वल टू सेवन वेन एक्स इक्वल टू थ्री वाईक्वल टू डेट सेट फोर हो नहीं सकता लेस देन है तो अब ये रिलेशन है आप बताओ रिफ्लेक्सिव है ये नहीं है एक रीजन दे दो यार वन वन नहीं है इसमें ठीक है वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके डबलेट्स होने चाहिए थे वन वन ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ठीक है तो इसका रीजन हम किस तरह से देंगे देखो क्योंकि मैथमेटिक्स भले ही है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा वर्बल स्टेटमेंट चलता देखो कैसे लिखेंगे हम फॉर ए ए बिलोंग्स टू ए ए एज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन बात समझ रहे हो आप लिखोगे कि ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन इसका मतलब क्या हो गया वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर टू टू नॉट बिलोंग्स टू आर

अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है और तब इट इंप्लाइज वॉट ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए ये कैसा कब होता है जब ट्रांजिटिव होता है रिलेशन मैंने कहा था जब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया तब ये ट्रांजिटिव कहलाता है अब देखो आप यहां पे वन सिक्स है यानी कि यहाँ पे ए बी है बी सी है ही नहीं तो हम ए सी की बात नहीं कर सकते सेकेंड पेयर पे चलते हैं यहां पे भी ए बी है बी सी है ही नहीं तो भी हम ए सी की बात नहीं करेंगे यानी कि ए सी को नहीं ढूंढेंगे ऐसी यहां थ्री एट है ऐसी यहां इस अगर ये ए बी है तो बी सी है कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो जिसका प्री इमेज या जिसका फर्स्ट एलिमेंट एट हो नहीं है तो इसका मतलब यहां पर भी क्या है यहां पर भी सेम चीज है तो ये ये वो वाला केस हो गया स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं बी सी इज नॉट देयर उट ए सी एंड वी विल क्लियरली से अगर सिर्फ ए बी ए बी है तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजेटिव है सो दिसव ठीक है दिस इज ट्रांजेटिव तो इट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजेटिव सो पॉजिटिव टू नोट इट डाउन देखते हैं उसमें कह रहा है रिलेशन आर एन द सेट ए देखो रिलेशन आर इन द सेट ए का मैं बार बार मतलब बता रहा हूँ कि आर इज दबसेट ऑफ

फाइव फाइव सिक्स सिक्स बताओ ले सकता हूँ अब मैं वन टू भी ले सकता हूँ वन थ्री भी ले सकता हूँ वन फोर भी ले सकता हूँ वन फाइव भी ले सकता हूँ वन सिक्स भी ले सकता हूँ ठीक है मैं टू फोर ले सकता हूँ टू सिक्स ले सकता हूँ मैं थ्री सिक्स ले सकता हूँ डैट सेट ठीक है मैं ये सब ले सकता हूँ तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये है आपको दिख रहा होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पेयर उन सब के डबलेट्स मौजूद हैं है 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 नहीं तो तो ये रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव हो गया ठीक मैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को टी आर से दिखाऊंगा है ना जिससे कि पूरा वर्ड मुझे ना लिखना पड़े अब देखो वन टू है तो क्या टू वन है नहीं है बस एक एलिमेंट अगर ऐसा दिख जाए ना पूरे रिलेशन में जिसका सिमेट्रिक, यानी कि जिसका उल्टा अगर आपको ना मिले उसी रिलेशन में तो एक एलिमेंट को देख के आप जज कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजिटिव की बात करते हैं देखो वन टू है टू सिक्स है वन सिक्स भी है ठीक है वन थ्री है थ्री सिक्स है वन सिक्स है वन फोर है और फोर फोर है तो वन फोर है वन फाइव है देखो यहां सबसे तो ये चेक ही नहीं करने ये तो ये तो ऑब्वियसली जब रिफ्लेक्सिव सेट के खाली देख देखते ना तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स को चेक ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव शो करते हैं यहाँ से देखते हैं वन टू है टू सिक्स है वन सिक्स है वन थ्री है थ्री सिक्स है वन सिक्स है वन फोर है, है दूसरा एलिमेंट है ही नहीं तो वो चेक ही नहीं करते स्पेशल केस हो गया क्योंकि ए बी है बी सी है ही नहीं तो ए सी की बात ही नहीं करनी वन फाइव है फाइव से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं तो भी ये भी वो ए बी केस हो गया स्पेशल केस वन सिक्स है सिक्स से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा ये भी वो स्पेशल केस हो गया टू फोर है ठीक है स्पेशल केस आपको समझ में आएगा मैं बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि अगर ए बी है बी सी नहीं है तो हम ए सी को नहीं देखेंगे ए बी के बलबूते पे ही हम कह देंगे कि क्या फंक्शन ट्रांजिटिव है ये कहने का मतलब है मेरा कि तो फिर हम बी सी और को जब बी सी नहीं है तो नहीं। ए सी को देखते नहीं सिर्फ ए बी के बेसिस पे क्या कह देते हैं ट्रांजिटिव है टू फोर है फोर स्टार्ट फोर और समथिंग नहीं है तो इसके बेसिस पे हम क्या कह देंगे ये ट्रांजिटिव है टू सिक्स ऐसी और ऐसी थ्री सिक्स तो ये ट्रांजिटिव है तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है तो ऐसे बताते हैं हम ठीक है करते हैं और क्वेश्चन नोट इट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स और ये रिलेशन दिया हुआ है हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है अब देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास हमेशा रिलेशन जो है वो हमेशा फाइनाइट होगा अब एक बात बताओ अगर कार्टिजन प्रोडक्ट्स जो है वो डिजन प्रोडक्ट ही इनफाइनाइट है तो रिलेशन भी इनफाइनाइट हो सकता है तो अब ऐसे केस में जैसे एक्स माइनस इज एन इंटीजर अब इसको कैसे लिखेंगे इसको नहीं लिख सकते तो इसको हमें वर्बली सॉल्व करना होगा हमें कहना होगा स्टेटमेंट्स देने होंगे मैथमेटिकल क्या देने पड़ेंगे देखो एक बात सुनो थोड़ा सा समझते हैं उसने कहा एक्स माइनस इज एन इंटीजर वेयर एक्स एंड वाई बोथ इंटीजर्स चेक कर लो ठीक है तो आप खुद भी पता है आपको कि दुनिया में ऐसे कोई भी एक, एक ऐसा इंटीजर उठा लो उसका डिफरेंस उसी के साथ जीरो होगा भाई ए ए अगर हमने लिया फॉर ए बिलोंग्स टू जेड फॉर ए बिलोंग्स टू जेड ठीक है ए माइनस ए क्या होगा जीरो विच इज आल्सो बिलोंग्स टू जेड भाई ए बिलोंग्स टू जेड ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो विच इज आल्सो बिलोंग्स टू जेड सो कैन आई से ए ए बिलोंग्स टू आर क्यों क्योंकि हमें क्या करना है एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर आ गया एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर आ गया तो वो इस रिलेशन में होगा तो ए ए बिलोंग्स टू आर तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू जेड ए ए बिलोंग्स टू आर या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड ठीक है ऐसी सिमेट्री की बात करें अब आपको भी बता देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर इज एन इंटीजर अब एक बार बताओ कि अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है तो ऑब्वियसली बी माइनस ए बी तो क्या होगा इंटीजर ही होगा क्यों वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा ए माइनस बी अगर इंटीजर है तो बी माइनस ए जाएगा रहेगा तो इंटीजर ही तो क्या इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक भी हो गया रिफ्लेक्सिव तो ये है ही सिमेट्रिक भी हो गया ट्रांजिटिव देखते हैं देखो अगर a माइनस बी इंटीजर है ए बी बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है ए बी बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है a माइनस बी इंटीजर है बी सी बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है b माइनस सी इंटीजर है तो एक बात बताओ इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी डेट मीन वॉट ए माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी टू आर फॉर एनी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी टू आर ए सी बिलोंग्स टू आर सो वॉट इज ट्रांसिटिव सो तो ऐसे हमें करना है ठीक है तो ये मैंने आपको बहुत तरीके से बताया अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट दिट इज बकवास एंड डू इट योर सेल्फ सो अप्लाई दी वाई एस डू योर सेल्फ राइट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है इसमें अच्छा क्या वो बताता हूँ मैं आपको आप जब इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना आसान है ठीक है इसको ट्रांजिटिव दिखाना आसान है ठीक है मे भी सीमेट्रिक तो आप बता ही दोगे कि सीमेट्रिक नहीं, नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो आप दिखाई दोगे कि है लेकिन हमें शो उल्टा करना है कि ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉ सिमेट्रिक नॉन तो यहां पे एक्चुअली में आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या हो? उसको एक्सपीरियंस करोगे तो देखो आप कोई भी नंबर ले लो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर माइनस वन वन माइनस टू टू माइनस थ्री थ्री माइनस फोर फोर हमेशा क्या होगा बस सपोज एट माइनस टू और माइनस टू लेता हूं मैं तो ऑब्वियसली माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू वॉट माइनस टू का स्क्वायर फोर ठीक है तो इसलिए माइनस टू माइनस टू बिलोंग्स टू आर और अगर मैं प्लस टू टू भी लूँ तो भी क्या होगा टू इज लेस देन इक्वल टू टू का स्क्वायर सो तो टू टू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आप लोगे आप के हमेशा रिफ्लेक्सिव आएंगे लेकिन हमें शो करना है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव तो उसके लिए क्या करना है देखो मेरी बात सुनो उसके लिए आपको काम ये करना है कि आप पता क्या कर रहे हो आप हमेशा इंट, इंटीजर्स सोच रहे हो इंटीजर्स ले रहे हो आपको क्या लेना है आप इस, आपको इसमें रियल नंबर्स लेने हैं और रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स भी आते हैं ठीक है भी आते हैं तो आपको यह शो करना है कि ऐसा ऐसा एक, ऐसा एक ऐसा एक एक डबलेट है मौजूद है जो है तो ए ए की फॉर्म में बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर ए वेर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ठीक है to, तो मैं शो कर रहा हूं देखो वन बाई टू वन बाई टू रियल नंबर का सेट है ना ये ऑर्डर पेयर अब देखो वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू वन बाई टू का स्क्वायर ये गलत बात है एक्चुअली वन बाई टू इज ग्रेटर देन वन बाई फोर ठीक है तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर और रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बताने के लिए हमें एक एलिमेंट काफी है देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव की मैं बता रहा हूँ आपको बात इसमें कुछ तीनों में एक चीज होती है रिफ्लेक्सिव है यानी कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ऑल चेक एक एक एलिमेंट को चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी हमें क्या करना चेक करना पड़ता है ऑल चेक करने पड़ते हैं सारे जितने भी पेयर्स है सबको चेक करना पड़ता है सिमेट्रिक है ऐसा करने के लिए हमें सारे चेक करने पड़ते हैं क्या सारे ऑर्डर पेयर्स उस रिलेशन के अंदर ऑल चेक ऑल ऑर्डर पेयर टू बी चेक सिमेट्रिक नहीं है ऐसा करने के लिए जस्ट फाइंड आउट फाइंड आउट वन ऑर्डर्ड पेयर जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर पेयर सच डेट सच डेट ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर ठीक है सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजिटिव के लिए भी हमें क्या करना होता है ट्रांजिटिव है इसके लिए हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करने होते हैं रिलेशन में ऑल ऑर्डर्ड पेयर चेक ऑल चेक लिख देता हूं मैं इसको है ना ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है जस्ट टू फाइंड आउट जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर वन सेट सच एस ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे चेक करना है ठीक तो देखो रिफ्लेक्सिव हमने दिखा दिया कि भाई एक ऐसा था जो हमने जिसमें वन टू वन टू जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि वो रिलेशन में नहीं है अब देखो मैं सिमेट्रिक बता रहा हूं देखो सिमेट्रिक है ये नहीं बताना हमें क्या बताना है नॉट सिमेट्रिक तो एक ऐसा पेयर बताओ जिसका उल्टा ना हो टू फाइव बिलोंग्स टू आर है क्योंकि टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव स्क्वायर बट फाइव टू नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक है तो सिमेट्रिक नहीं है ये बताने के लिए जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर पेयर सच डेट ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर ऐसी हमें ट्रांजिटिव दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी है बी सी है पर ए सी नहीं है ए मतलब ए बी बिलोंग टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर ऐसा शो करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा यहां पर शुरू होता है इस क्वेश्चन का धमाका कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में है क्या

यहां पे स्क्वायर है ना तो उसकी बात कर रहा हूं तो क्या है आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे तो छोटा हो और इससे सॉरी इससे तो बड़ा हो थ्री से और इससे छोटा हो तो टू फाइंड आउट वन नंबर फाइंड आउट वन नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ विच स्क्वायर ऑफ विच इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर ग्रेटर देन सेकेंड नंबर बट लेस देन फर्स्ट नंबर बट लेस देन फर्स्ट नंबर ये एल्गोरिदम है अब देखो ऐसा नंबर बताता हूं मैं आपको 1.8 1.8 इसका स्क्वायर 3.24 तीन से बड़ा है लेकिन चार से छोटा है एक और एक और दिखाता हूं आपको थ्री इसे छोटा नंबर ले लिया टू अब एक ऐसा नंबर वन पॉइंट फाइव जिसका स्क्वायर दो से तो बड़ा है और तीन से छोटा है इससे हमें फायदा क्या हुआ अब देखो मैं आपको बताऊंगा इससे हमें फायदा क्या मिला देखो यहां पर अब मैं आपको क्या शो कर रहा हूं मैं रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट मिटा रहा हूं देखो इससे मेरे को ये फायदा मिला फोर थ्री बिलोंग्स टू आर क्यों फोर इज लेस देन इक्वल टू थ्री स्क्वायर एंड थ्री वन पॉइंट एट बिलोंग्स टू आर क्यों क्योंकि थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन पॉइंट एट का होल स्क्वायर बट फोर वन पॉइंट एट डज नॉट बिलोंग टू आर क्यों क्योंकि फोर इज लेस इक्वल टू वन पॉइंट एटर यह बात गलत है not less than, equal to का whole square. तो ऐसे करना हम इस क्वेश्चन को तो पॉज ऑफियो टू नोट एट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं उसने कहा चेक वेदर आर इन द सेट दिस रिलेशन जो है वो इस सेट में है ठीक है लेट से दिस सेट बी ए और मैं हमेशा जैसे बताता आया हूँ आपको सबसेट ऑफ से ए क्रॉ से तो इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा कार्टेजन प्रोडक्ट होगा उसका जो सबसेट है वो वो हमारा ये रिलेशन है दैट मीन्स ए इज बिलोंग्स टू ए एंड बी इज आल्सो बिलोंग्स टू ए अब देखते हैं b इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजेटिव देखते हैं लेट मैं इसको टेबलर फॉर्म में लिख रहा हूँ ए इक्वल है तो b कितना होगा टू होगा ए इक्वल है तो b कितना होगा थ्री um, होगा ऐसी थ्री फोर होगा ऐसे फोर फाइव होगा ऐसे फाइव सिक्स होगा और सिक्स सेवन हो नहीं सकता बिकॉज सेवन इज नॉट देर इन सेट ए क्या ये रिफ्लेक्सिव है <laughs> बच्चा भी बता देगा रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्रिक बताओ भाई वन टू है टू वन है ही नहीं नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है वन टू है टू थ्री है वन थ्री है नहीं है तो ना ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं आए क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर कोई भी नहीं है सारे होने चाहिए थे इसमें तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है पॉज करो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये सिंपल उसने एक रिलेशन दिया हुआ है रियल नंबर में और उसने कहा है ए इज लेस देन इक्वल टू बी ठीक है हमें इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक ये हमें शो करना है ठीक है तो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए इसी बेसिस पे करो इसे फिक्स क्वेश्चन देखते हैं चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड बाई आर ए बी लेट एज लेकिन बता रहा था ना आपको कि एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा हमें दिखाना है कि चेक वेदर ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है हमें चेक करना है उसमें सेकंड क्वेश्चन में तो उसने बता ही दिया था कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव इसमें उसने कहा चेक वेदर आप अगर चेक वेदर कह दो ना तो आप ये बता दोगे कि जी ऐसा तो है कि यह सिमेट्रिक तो है नहीं क्योंकि ऐसा तो आप बता ही सकते हो कि अगर टू फाइव बिलोंग्स टू आर है तो फाइव टू बिलोंग्स टू आर नहीं होगा ठीक है सिमेट्रिक तो, तो कोई भी बच्चा बच्चा दिखा सकता है रिफ्लेक्सिव में आप एक बार कह सकते थे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन मैंने अभी अभी आपको एक क्लू बताया कौन 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 सा कि अगर आप फ्रैक्शन में कुछ नंबर लेते हैं क्योंकि रियल नंबर्स में है ना ये तो रिलेशन तो हाफ ऑफ की बात करें तो हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू वॉट वन अपॉइंट टू का क्यूब डैट इज वन अपॉन एट एक्चुअली वन अपॉइंट टू इज ग्रेटर देन वन अपॉन्ट एट सो दिस इज रॉन्ग सो वन बाई टू वन बाई टूट डज नॉट बिलोंग्स टू आर सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑल्सो ठीक है अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं ट्रांजिटिव में एक एल्गोरिथम याद रखना है आपको मैंने जैसे बताया था जैसे वहाँ पे मैंने स्क्वायर की बात करी थी यहाँ पे मैं क्यूब की बात करूँगा आप कोई भी वन डिजिट नंबर लें ठीक है मैं इसमें एक पेयर याद रखता हूँ ठीक है डेट इज ट्रिपलेट ट्रिपलेट याद रखता हूँ दिस इज थ्री थ्री बाई टू फोर बाई थ्री 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 बाई टू फोर बाई थ्री क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया ना एल्गो में तो आपको बता दिया एल्गोरिदम मैंने आपको बता दिया सेकंड क्वेश्चन में कि अगर स्क्वायर है तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है फिर उससे एक एक नंबर कम लेना है और फिर उसके बाद एक तीसरा नंबर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है वो सेकेंड नंबर से ज़्यादा हो और आ, फर्स्ट नंबर से कम हो ठीक है ऐसी यहाँ पर एल्गोरिदम है क्या है कि आपको एक नंबर लेना है जिसे हमने थ्री लिया उससे छोटा नंबर लेना है फिर एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे तो ज़्यादा हो सॉरी क्यूब क्योंकि यहाँ क्यूब है ना यहाँ पे क्यूब है तो अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब जिसका क्यूब इससे तो बड़ा हो पर इससे छोटा हो अब हो गया सर ये कैसे कर रहे हो आप देखो मैं एक ऐसा नंबर लेने वाला हूं जिसका क्यूब इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा ध्यान करो अगर आप वन पॉइंट वन लेते हैं तो क्या होगा वन थ्री थ्री वन वो इससे बड़ा नहीं होगा वन पॉइंट टू लो वन पॉइंट टू लिया आपने वन पॉइंट टू लो गए आप तो क्या होगा उससे आएगा वन फोर्टी फोर वन टू सेवन एट वन टू सेवन एट वो भी छोटा पड़ जाएगा वन पॉइंट थ्री लो आप ठीक है तो वन पॉइंट थ्री से हाँ हो गया मेरा काम हो गया हो गया क्योंकि वन पॉइंट थ्री का जो क्यूब होगा वो टू पॉइंट वन नाइन सेवन आएगा मेरे हिसाब से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ काफ़ी टाइम हो गया रिवाइज करे में तो 1.69 1.69 और 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो, 1.3 से तो ये हो गया इसके दो तीन दो, 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 दो पाँच और नौ छः एक सात हाँ टू वन नाइन सेवन देखो मैंने टू वन टू पॉइंट वन नाइन सेवन एक्चुअली ये ये तो क्यूब आ गया सॉरी आपको नंबर क्या लेना है वो वन पॉइंट थ्री है ना अब देखो एक बार वो बता दे रहा हूं आपको एक नंबर लेना है फिर उसका आप या तो हाफ ले सकते हो हाफ ले लो ठीक है फिर उसके बाद एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर क्यूब क्यूब सॉरी क्योंकि ट्रांसिटर ट्रांसिटर बात करते हैं ट्रांजिटिव की तो ट्रांजिटिव कैसे शो करें अब देखते हैं मतलब शो नहीं करना हमें ट्रांजिटिव चेक करना है ठीक है कि ट्रांजिटिव है नहीं है वैसे तो अगर आपको मैं बताऊं कि उसने चेक वेदर कहा है बहुत सारे बच्चे इसको बता देते कि देती सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है क्योंकि आप किसी भी दो नंबर को लोगे तो ऐसा आप शो कर सकते हो जनरली इंटीजर्स में तो शो कर ही सकते हो लेकिन हमें दिखाना है कि ये है क्या तो आपको दिखाऊं मैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है कैसे इसके लिए बेहको लेते हमें मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन कराया था आपको कौन सा ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर उसको रिकॉल करते हैं मैंने क्या बताया था इसको ये दिखाने के लिए कि ट्रांजिटिव नहीं है मैंने आपको कहा था आप एक नंबर लो एक डिजिट का फिर एक नंबर छोटा लो उससे फिर उसके बाद तीसरा एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर क्यों स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो जिसका स्क्वायर स्क्वायर ऑफ विच इज स्क्वायर इज ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन फोर ऐसा तो अब ट्रांजिटिव मैं इसको शो कर रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है उसके लिए क्या करना है मुझे एक नंबर लेना है सपोज सपोजेट थ्री ले लिया ठीक है एक नंबर उससे छोटा लो आप हाफ भी ले सकते हो क्योंकि ट्रांजिटिव दिखाना है मेरे को तो थोड़ा सा गैप चाहिए तो मैं वन पॉइंट फाइव ले रहा हूँ ठीक है अब एक तीसरा नंबर ऐसा लेना है क्योंकि यहाँ ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है तो मुझे क्या लेके चलना है क्यूब ठीक है एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब क्या हो 1.5 से तो बड़ा हो और लेस देन थ्री हो ऐसा नंबर अगर आप सोचें अगर आपको 10-15 तक क्यूब्स याद हैं तो आप इजीली कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को अप्लाई और अगर नहीं याद हैं तो आप ट्रिपलेट याद करके चलें इस क्वेश्चन का भी और एक क्वेश्चन का भी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एन में जितने भी शोडेट वाले क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आप मानो चाहे ना मानो उसका एक लॉजिक पार्ट आपको याद रखना ही पड़ता है ठीक है अगर आपको लॉजिक याद नहीं है तो शोडर्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है थोड़ी तो मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा नंबर मुझे जो आता है वो 1.2 आता है जिसका क्यूब होता है 2.197 जो फन वन पॉइंट से बड़ा है बट 3 से छोटा है ऐसा करने से क्या हुआ देखो फायदा हुआ क्या 3 1.5 जो है दैट इज बिलोंग्स टू आर 1.5 एंड 1.2 ये भी बिलोंग्स टू आर है क्यों क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू वन का क्यूब एंड वन पॉइंट फाइव इज लेस देन इक्वल टू वन पॉइंट टू का क्यू बट बट ए बी हो गया बी सी हो गया थ्री वन पॉइंट टू डॉट बिलोंग्स टू आर एंड एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर तो दिस इज नॉट ट्रांसलेटिव सो दिस इज नॉट ट्रांसलेटिवलो दिस वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन डाउन क्वेश्चन देखते हैं फिर भी देखते हैं उसने कहा आर इन दट वन टू थ्री और ये आर बी दे भी दिया उसने, उसने कहा कि शो दैट दिस इज सिमेट्रिक बट नॉट रि रिफ्लेक्सिव एंड नीदर ट्रांसलेटिव ठीक है ये शो करना मैं देखो रिफ्लेक्सिव तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि वन वन टू टू और थ्री थ्री मैं बताता हूं आपको कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन में तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है क्योंकि वी कैन से डेट ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर और वी कैन सिंपली से ऐसे केस में तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक है सो दिस इज द रीजन एंड नो वन कैन डिनाई इट ठीक है सिमेट्रिक है ऑब्वियसली क्योंकि वन टू है

अब आपको सर एक ही रीजन दोनों के लिए हाँ समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इसके इसके साथ आप एक बात और भी तो लिखोगे ना कि किन टू बिलोंग्स टू आर एंड टू वन बिलोंग्स टू आर बट वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो ट्रांजेटिव का रीजन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू नोट इट डाउन क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखते हैं उसने कहा कि आर uh, है इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज ऑब्वियसली इज द सेट क्यूक इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बुक्स इन अभी ऑफ कॉलेज ठीक है अब एक बात सुनो उसने कहा कि आर रिलेशन जो है वो ये है हमें बताना है कि ये रिलेशन है का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए तो वन वन बाय करके प्रूव करते हैं देखो ए ए बिलोंग्स टू आर क्यों क्योंकि सेम ही तो बुक है ए ए जितनी भी बुक्स होंगी उसमें उसी के साथ वही वाली बुक ले लो तो जब बुक ही सेम है से ए बिलोंग्स टू आर यानी कि दोनों में क्या है इक्वल नंबर ऑफ पेजेस तो क्या है ए ए बिलोंग्स टू आर फोर ईच ए बिलोंग्स टू ए ठीक है क्योंकि वो तो सेम ही बुक्स हो गई अब अगर किसी ए बी बुक्स में सेम पेज है तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि बी ए में भी सेम पेज होंगे भाई इस बुक में और इस बुक में अगर सेम पेज है तो इस बुक में और इस बुक में भी तो सेम पेज होंगे तो सिमेट्रिक भी है और अगर ए बी में सेम पेज है और बीसी में सेम पेज है तो मतलब क्या हो गया ए में भी तो सेम पेज होंगे तो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है और ये क्या है इक्वी है बहुत ही बकवास क्वेश्चन था नेक्स्ट देखते किताबी फट गई एट्थ एट्थ क्वेश्चन में, <coughs> एट्ट, एट्ट में उसने रिलेशन आर इन सेट ए, ए सेट दे दिया उसने इन सेट और सेट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव उसने कहा कि आर एक रिलेशन है ए बी ए माइनस बी इज इवन ठीक है हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है उसके बाद और भी उनके बारे में डिस्कस करेंगे पहले बताते हैं कि ये इक्वेलेंस है या नहीं है देखो ए ए अगर आप ले लो तो इसका मतलब क्या है ए माइनस ए इक्वल टू वॉट जीरो विच इज इवन जीरो बिलोंग्स टू आर फॉर इच ए बिलोंग्स टू आर ठीक है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए सॉरी ए लिख सकते हैं आप ऑल यूज करो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ठीक है अब सुनो अब सिमेट्रिक सिमेट्रिक बताना है देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए बी किसमें से होंगे इसमें से ही तो होंगे है ना आप कुछ सोचो ना ए बी इनमें से तो आएगा अब ए बी बिलोंग्स टू आर है दिस मीन्स वॉट ए माइनस बी इज इवन ए माइनस बी इज इवन ठीक है और उसने मॉडुलस भी लिया हुआ है तो ऑब्वियसली अगर ए छोटा भी हुआ तो भी मॉडल लेके वो इवन ही आना है है ना तो ए माइनस बी इज इवन है तो ऑब्वियसली इट इंप्लाइज वॉटलो इवन भाई अगर ए माइनस बी तो बी माइनस ए बी तो बिलोंग्स टू आर तो जितने बी ए बिलोंग्स टू आर होंगे वो बी ए बिलोंग्स टू आर फी होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव ट्रांसलेटिवते हैं ट्रांजिटिव का भी सिंपल कैसे है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है ठीक है तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है ए माइनस बी इज इवन और बी सी बिलोंग्स टू आर है इट इंप्लाइज बी माइनस सी इज हैल्सो इवन ठीक है मॉडल है भले ही ले लो आप तो इनको अगर हम ऐड करें तो मॉडल ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ठीक है इट इज वॉट मॉडल ए माइनस सी विच इज ऑल्सो इवन तो ए सी बिलोंग्स टू आर ठीक है तो अब आपने एक चीज देखी मैंने यहाँ पे मॉडल था ए माइनस बी और मॉडल पी माइनस सी मैंने क्या करा देखो ये इसको पॉजिटिव बना रहा है ये इसको पॉजिटिव बना रहा है है ना तो मैंने क्या करा दोनों को एक साथ ऐड करके तब मॉडल लगा दिया मैं ऐसा कर सकता हूं ठीक है दिस नो द दोल्यूट साइंस ऑफ दिस ए को ई रखा माइनस बी को बी रखा बी को यहाँ पॉजिटिव रखा माइनस सी को फिर बाद में हमने इसमें क्या लगा दिया मॉडल्स लगा दिया सो ए सी बिलोंग्स टू आर तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिलेटिव अब सुनो उसने क्या कहा है उसने क्या कहा है उसे देखते हैं उसने कहा शो डैट वन थ्री फाइव शो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन थ्री फाइव इज रिलेटेड टू ईच अदर ठीक है एज पर द रूल और टू फोर के भी एलिमेंट्स अपने आप में रिलेटेड हैं बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस सेट समझो देखो वन थ्री फाइव के सारे एलिमेंट्स अपने आपस में क्यों रिलेटेड हैं क्योंकि आप कोई भी दो ले लो वन माइनस थ्री का मॉडल बी इवन वन माइनस फाइव का भी इन uh, और थ्री माइनस फाइव का भी इवन या इनके उल्टे ले लो तो सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं तो आपको यह शो करना है फिर ये दोनों भी रिलेटेड है क्यों टू माइनस फोर भी इवन और फोर माइनस टू भी इवन बट इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो आप वो रिलेटेड नहीं होंगे क्यों क्योंकि अगर आप इसमें से वन लेते तो और इसमें से टू लोगे गए तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा ऑब्वियसली दीज आर दीज आर दिन नंबर्स एंड दीज आर दंबर्स और इनका डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आ सकता सो दिस एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट आर नॉलेट नॉट रिलेटेड यही हमें शो करना था ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इज क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नाइन्थ में उसने एक रिलेशन दिया इन द सेट ए और सेट ए को उसने डिफाइन करा है दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए उसने कहा है कि एक्स एक इंटीजर है और जिसमें जीरो से लेकर बारह तक के नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं तो मैं लिख रहा हूँ सेट को क्या जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक रिलेशन दिस है और एक रिलेशन दिस है उसने कहा कि इन्हें शो करो कि ये दोनों एकुवेलेंस है। एकुवेलेंस का दोनों को ट्रांजिटिव शो करना है। अब देखो इसके अंदर मैं इनकी दोनों की टेबलेट फॉर्म लिख रहा हूं कैसे मॉडल ए माइनस बी सा मल्टीपल फोर मल्टीपल ऑफ फोर वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए तो देखो क्या क्या हो सकता है जीरो फोर ले लो वन <coughs> फाइव ले लूँ टू सिक्स ले लूँ थ्री सेवन ले लूँ फोर एट ले लूँ फाइव नाइन ले लूँ सिक्स टेन ले लूँ और सेवन एलेवन ले लूँ और एट ट्वेल्व ले लूँ ठीक है ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर इसके अलावा इसमें क्या क्या हो सकते हैं? फोर ज़ीरो ठीक है फोर जीरो एंड इन सब के उल्टे फाइव वन सिक्स टू ठीक है सेवन थ्री एट फोर नाइन फाइव टेन सिक्स और एलेवन सेवन और ट्वेल्व एट ये भी ले सकता हूँ इसके अलावा सोचो और भी क्या ले सकता हूँ इसके अलावा जीरो ज़ीरो से लेके कर वन वन ले, 1, 1 ले और कहाँ तक ट्वेल्थ ट्वेल्थ तक भी लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि इन सब के डिफरेंस क्या होंगे जीरो होंगे और जीरो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है फोर फाइव सेवन सिक्स किसी का भी हो सकता है तो देखो ये भी सारे सही हैं ये भी सारे सही हैं अब हमें बताना है कि क्या ये इक्वलेंस रिलेशन है ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया क्योंकि जीरो जीरो से लेके और ट्वेल्थ ट्वेल्थ तक सारे मौजूद हैं तो ये रिफ्लेक्सिव तो है सिमेट्रिक जीरो फोर है फोर जीरो है वन फाइव है फाइव वन है यहाँ तक के तो उल्टे पूरे हो गए

वन वन टू टू थ्री थ्री और इसमें क्या आ जाएंगे सारे केस आ जाएंगे ट्वेल्थ ट्वेल्थ तक डेट सीट क्योंकि दोनों एलिमेंट इक्वल हैं ए इक्वल टू बी है देखो कभी भी ऐसा कोई सेट हो ठीक है जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव सेट ही लिख दिया हमने मतलब रिफ्लेक्सिव सेट के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अलावा और कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है यानी कि वन टू टू वन कुछ नहीं है इसमें तो ऐसे केस में ये जो केस होता है आंख बंद करके रिफ्लेक्सिव भी होता है सिमेट्रिक भी होता है ट्रांसिटिव भी होता है ठीक है तो एक सिंपल सी बात मैं कंक्लूजन यहां लिख दूं आपको कि अगर एक ए सेट है 1, 2, 3, और मैं एक सेट लिख रहा हूं रिलेशन क्या वन वन टू टू थ्री थ्री तो यह रिफ्लेक्सिव भी होता है सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसलेटिव भी होता है ठीक है किसी भी सेट ए में तो <coughs> वीडियो टू नोट इट डाउन एक मिनट इससे पहले कि हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करें उसने एक बात और कही है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस ठीक है ईच केस में इसमें और इसमें हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स चाहिए जो एक से रिलेटेड हो देखो इसमें कौन कौन से रिलेटेड इसमें ठीक है एक से रिलेटेड इसमें पांच है और भी कुछ है बस तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन दिस इज दिस बिकॉज एक के साथ सिर्फ पाँच ही है ऐसा जो चार का मल्टीपल बन सकता है लेकिन अभी मुझे डाउट हुआ क्या कि और कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो चार के मल्टीपल हैं अभी अभी डाउट हुआ ऐसा करने के बाद ऐसा नहीं है मैं पाँच लूँ अगर मैं नौ भी ले लूँ तो देखो एक और नौ का सब्सक्रक्शन चार से डिविजिबल होगा और मैं क्या ले लूँ बस और कुछ नहीं वन फाइव नाइन तो इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट नहीं लिखे फिर इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट नहीं लिखे वो कौन कौन से हैं वो मैं बता दे रहा हूँ अगर ज़ीरो है तो हमने चार लिया ठीक है चार के साथ आठ ले लिया हमने कुछ ऐसे नहीं लिखे जैसे ज़ीरो के साथ हम एठ ले सकते हैं ठीक है इनका उल्टा भी मौजूद होगा आठ जीरो भी होगा अच्छा हो गया अगर मैं ये ये पॉइंट याद नहीं आता तो हम इसे गलत कर देते जीरो आठ हो गया आठ ज़ीरो भी हो गया ज़ीरो ट्वेल्व हो गया ज़ीरो ट्वेल्व ज़ीरो भी हो गया फिर उसके बाद आ, फिर वन के साथ हम फाइव ले सकते हैं ले लिया था हमने वन के साथ हम नाइन भी ले सकते हैं और बस फिर टू के साथ क्या ले सकते हैं हम टू के साथ सिक्स ले सकते हैं वो ले लिया था हमने टू के साथ और भी क्या ले सकते हैं आ, टेन ले सकते हैं और टेन के साथ टू ले सकते हैं ऐसा समझ हो ना ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये ये छूट गए थे ठीक है ये भी हो सकते हैं टेन टू भी हो सकता है क्यों क्योंकि टू और टेन का डिफरेंस भी तो आठ होगा ना वो भी चार का मल्टीपल है फिर ऐसे ही हम क्या ले रहे हैं थ्री के साथ थ्री के साथ वन टू थ्री फोर थ्री के साथ सेवन हमने ले लिया था और हम थ्री के साथ एलेवन भी ले सकते हैं और एलेवन थ्री भी लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आ, चार के साथ हमने आठ ले लिया था ठीक है चार के साथ बारह ले, ले ले, सकते हैं हम ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चार के साथ बारह भी ले सकते हैं और बारह के साथ चार भी ले सकते हैं मतलब उल्टा करके लिख दिया फिर पाँच के साथ हमने नौ लिया है और भी कुछ आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता एक आ सकता था वो मैंने लिख दिया था पहले फिर छः के साथ छः के साथ दस भी लिख लिया हमने और कुछ हो नहीं सकता आठ के साथ बारह ही हो सकता है ठीक है और डेट सेट ठीक है अगर कुछ एक अदर रहेगा हो तो लिख देना आप

और फिर एग्जाम्पल देना शुरू कर दो उसने कहा सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव ट्रांजरेटिव नहीं होना चाहिए सबसे पहले मैं कोई भी एग्जाम्पल देता हूं तो मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं तो मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर लेता हूं मुझे रिफ्लेक्सिव शो नहीं करना तो इसका मतलब यह तो बात पक्की है कि वन वन टू टू थ्री थ्री होना नहीं चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजरेटिव नहीं होना चाहिए तो देखो मैंने क्या करा वन टू ले लिया और टू वन ले लिया ठीक है क्योंकि मुझे सिर्फ सिमेट्रिक शो करना था तो मैंने सिर्फ एक ही काम करना है मुझे उधर ध्यान ही नहीं देना रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव पे ठीक है हाँ अगर कभी रिफ्लेक्सिव शो करना हो तो सबसे पहले सारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स लिख दो सबसे पहले तो हमें सिमेट्रिक शो करना था तो मैंने क्या करा वन टू टू वन अभी एक बात देखो थी ध्यान से ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है क्योंकि वन टू है टू वन है बट वन वन नहीं है ठीक है तो ट्रांजिटिव नहीं है सिमेट्रिक है क्योंकि वन टू और टू वन दोनों है और रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री नहीं है इसमें तो आप एग्जाम्पल देकर बता दोगे और रीजन बता दोगे अब सुनो अब हमें एक ऐसा रिलेशन बताना है जो ट्रांजिटिव हो रिफ्लेक्सिव ना हो सिमेट्रिक ना हो तो हम सिर्फ हमारा फोकस सिर्फ ट्रांजिटिव पे ट्रांजिटिव पे देखो तो मैं क्या कर रहा हूं सिंपल लिख दे रहा हूं वन टू ठीक है और टू थ्री और वन थ्री यानी कि ध्यान से देखो ये वन टू टू थ्री दोनों है तो वन थ्री भी है लेकिन ये ट्रांजिटिव तो है सिमेट्रिक है वन टू है टू वन नहीं है सिमेट्रिक है नहीं और रिफ्लेक्सिव टू टू थ्री थ्री दोनों तीनों नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ऐसे आपको एग्जाम्पल देना फिर वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी कि मैं अब देखो रिफ्लेक्सिव शो करना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स लिख दो सारे वन वन टू टू थ्री थ्री क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है ये तो होना ही चाहिए तभी मैंने छोटा सा सेट लिया था वन टू थ्री सिमेट्रिक शो करो अभी तो ये सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन मेरे को क्या करना है ट्रांजिटिव नहीं शो करना तो मैं उसके हिसाब से चेंजेस करूंगा देखो अब वन वन टू टू थ्री थ्री है अब मैं क्या लिख रहा हूं वन टू टू वन ठीक है अब भी ये ट्रांजिटिव है लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं टू थ्री थ्री टू आप कहोगे सर अब भी तो है ये 2, 3 है टू थ्री है थ्री टू है और टू टू है लेकिन एक बार बताओ <laughs> चेक करो वन टू है और टू थ्री मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि वन टू के साथ टू थ्री भी लेंगे टू वन भी लेंगे और टू टू भी लेंगे तीनों चीज चेक करेंगे आप तो वन टू और टू थ्री चेक करा आपके पास क्या बताओ वन थ्री है क्या वन थ्री नहीं है एक एलिमेंट मिल गया हमें ऐसा जिससे हम शो कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है आंखों देखी बात है साफ साफ रिफ्लेक्सिव ओ सॉरी रिलेशन अब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव शो करना है तो फोकस हमारा रिफ्लेक्सिव पे सबसे पहले वन वन टू टू थ्री थ्री ठीक है ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या करेंगे देखो आप एक काम करो वन टू लिख दो 2, 3 लिख दो और वन थ्री लिख दो और आपका काम हो गया देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया वन टू है टू थ्री और वन थ्री भी है अब आपको के साथ आप वन टू के साथ आपको ये भी देखना है देख लो ना वन टू 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 वन टू है वन टू टू थ्री वन थ्री भी है लेकिन सिमेट्रिक क्यों नहीं है क्योंकि वन टू है टू वन नहीं है चेक कर लो तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है ट्रांजेटिव है सिमेट्रिक नहीं है धीरे धीरे आएगा आपको धीरे धीरे जब आप करोगे ना ऐसा है ये तो मैं मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ऐसे करना है आप आराम से जो है स्पेंड करो टाइम थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड करोगे ना तभी तो रिलेशन फंक्शन आएगा अब हमें क्या करना है रिफ्लेक्सिव शो नहीं करना है तो हमारा उस पर कंसर्न नहीं है वन वन टू टू थ्री थ्री पे हमें दिखाना है कि सिमेट्रिक है और ट्रांजेटिव है तो बस वन टू कर दो 1 कर दो और 11 कर दो देख लो सबके उल्टे हैं और 1221 और 11 भी है ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं उसने कहा r इज इन द r द सेट a ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन एक प्लेन पे पॉइंट्स हैं r उस पे एक रिलेशन है कह रहा है कि ऐसा रिलेशन सच डैट द पॉइंट पी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजन डेट इज ओ पी इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम दिन डेट इज ओ क्यू लेट ओ बी द ऑरिजन ठीक है अब हमें बताना है कि ये इक्वैलेंस रिलेशन है तो एक बात सुनो अगर आप पी पी की बात करें तो ऑब्वियसली वो फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू सेट ए पॉसिबल होगा क्योंकि क्योंकि पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस और उसी पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस तो इक्वल हो गया ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो डिस्टेंस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस ओरिजिन के इक्वल हो गई यानी कि सेम पॉइंट है ना सेम पॉइंट तो ओपीक्स टू ओपी तो होगा ही होगा अब अगर पी क्यू दो पॉइंट है सच डेट सच डेट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि ओ क्यू इक्वल टू ओ इसका मतलब ये भी होगा कि क्यू पी बिलोंग्स टू आर सो अगर पी क्यू बिलोंग्स टू आर और क्यूपी बिलोंग्स टू आर तो क्या होगा वो एक अगेन सिमेट्रिक हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक हो गया अब पी क्यू बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू और क्यू आर या क्यू टी क्यू टी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया ओ की इक्वल टू ओ टी तो फ्रॉम दीज इक्वल टू ओ टी कह सकते हैं भाई ओ पी इक्वल टू ओ क्यू ओ क्यू इक्वल टू ओ टी ये पी क्यू टी पॉइंट्स हैं ना प्लेन में तो इसका मतलब क्या होगा पी टी बिलोंग्स टू आर भी होगा बिलोंग्स टू आर तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर क्यू टी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज क्या पी टी बिलोंग्स टू आर सो ये ट्रांजिटिव भी हो गया तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो क्या है इक्वी बैलेंस रिलेशन है उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर द शोर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी ऑब्वियसली ऐसे जितने भी पॉइंट्स हम एक उस पर लेंगे प्लेन पे ठीक है जो हमेशा एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है वो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे लोकस ऑफ द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विल बी सर्कल ठीक है ना तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड ए सर्कल तो ये ऑब्वियस है ठीक है हमें शो करना है हम बता भी सकते हैं कैसे बाय द डेफिनेशन अब सुनो 12th क्वेश्चन है उसने कहा uh, रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑल ऑफ द ट्राइंगल्स अब आर जो है वो सेट ए में है सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जितने ट्राइंगल्स है सब में अब उसने कहा आर रिलेशन जो है वो क्या है टी वन टी टू टी वन इज सिमिलर टू टी टू तो आपको बता दू मैं कोई भी ट्राइंगल अपने सिमिलर तो होगा ही ठीक है तो इसलिए टी वन टी वन बिलोंग्स टू आर या फिर वी कैन से टी टी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल टी ऑल टी बिलोंग्स टू सेट ए फिर उसके बाद अगर टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर है तो ऑब्वियसली टी टू टी वन बी बिलोंग टू आर ही होंगे है? तो है, है. अब टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर यानी कि टी वन इज सिमिलर टू टी टू इसका मतलब क्या हुआ टी वन इज सिमिलर टू टी टू एंड टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू आर यानी टी टू इज सिमिलर टू टी थ्री तो इट इंप्लाइज वॉट टी टू इज सिमिलर टू टी थ्री दैट मींस टी टू सॉरी टी वन इज सिमिलर टू टी थ्री दैट मीन्स टी वन टी थ्री बिलोंग्स टू आर ठीक है तो ये भी क्या हो गया ट्रांजिटिव भी हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है फिर उसने कहा कंसीडर द राइट ट्राइंगल टी वन विद्री फोर फाइव टी टू विद द साइड फाइव ट्वेल्व थर्टीन टी थ्री विद्सटी टेन तो उसने तीन ट्रायंगल बताया आपको वो कह रहा है कि एक पी वन ट्राइंगल है जिसकी साइड है थ्री फोर फाइव ठीक है तो थ्री फोर फाइव का मतलब यही है थ्री फोर फाइव फिर फाइव ट्वेल्व थर्टीन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो नंबर हैं वो पाइथागोरस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं ये ठीक है चेके? तो कह रहा कि विच ट्राइंगल एमउन टी टू टी थ्री आर रिलेटेड ठीक है तो कौन से ट्राइंगल रिलेटेड हैं ठीक है तो अब देखते हैं yes, वैसे तो ये तीनों ही रिलेटेड हैं। क्यों क्योंकि तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है आप देख लें कैसे साइड uh, कैसे बताई उसने फाइव ट्वेल्व थर्टीन थ्री फोर फाइव तो हम अगर एक ऑर्डर में लें थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव ट्वेल्व थर्टीन फाइव टूवेल्थ थर्टीन हमें ऐसे लिखना चाहिए फाइव टर्टीन फिर हमारा है सिक्स एट टेन सिक्स एट टेन एक ही ऑर्डर में मिलेगा तो ये तीनों ट्राइंगल क्या हैं सिमिलर हैं वाई बिकॉज दे आर राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं अब आपको क्या सारे राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी सिमिलर है तो ऐसा सिमिलर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रेशोज इक्वल दिखाने पड़ते हैं साइड्स के रेशो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही था कि क्या ये तीनों ही ट्राइंगल रिलेटेड है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो T1 वन इज सिमिलर टू टी है तो आप देखेंगे कैसे देखो फाइव अपॉन टेन इज इक्व टू फोर एट इज इक्व टू थ्री सिक्स तो सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों रिलेटेड हैं और ये वाला कौन सा है टी थ्री है तो टी वन इज रिलेटेड टू टी थ्री ओनली टी थ्री ओनली ठीक है सेट ऑफ ऑल पॉलिकन पॉलिकन मतलब क्लोज फिगर मेनी साइड्स पॉली मतलब मेनी कुछ भी हो सकता है तीन चार ट्राइंगल पॉर्टिटल ठीक है पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो सकता है मेनी साइड्स तो उसने कहा आर इक्वल टू पी वन पी टू वेर एज पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स तो हमें ऐसे बताना है कि आर एक ऐसा रिलेशन है कि इसमें दो पॉलीगनस uh, होंगे दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें पी वन पी वन ठीक है तो जितने भी अगर सेम पॉलीगन है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो है तो पी वन पी वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल फॉर ऑल पी वन बिलोंग्स टू र तो सेम पॉलीगन सेम नंबर तो रिफ्लेक्सिव दिखाना बहुत आसान काम होता है सिमेट्रिक अगर P1 P2 टू बिलोंग्स टू आर है दैट मीन्स P1 और P2 दो पॉलीगन हैं जिसकी सेम साइड है तो ऑब्वियसली क्या होगा P2 P1 भी बिलोंग्स टू आर ठीक है हालांकि अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P1 P2 टू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स तो उसके बाद एक एम्प्लॉयज का साइन पी टू एंड पी वन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स तब पी टू पी वन बिलोंग्स टू आर वो काम आप करोगे ठीक है जब आप कॉपी पे लिखोगे तो सिमेट्रिक भी है फिर अगर P1, P2 टू बिलोंग्स टू आर इसका मतलब P1, P2 के सेम साइड्स हैं एंड P2, P3 थ्री बिलोंग्स टू आर इसका मतलब P2 टू एंड पी में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P1 और P3 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी तो P1, P3 थ्री बिलोंग्स टू आर दिस इज ट्रांसलेटिव ऑल्सो सो दिस इज इक्वी बैलेंस रिलेशन यही शो करना हमें फिर इसने कहा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए ए के अंदर क्योंकि ए तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन है कह रहा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए एक ऐसा ए में एक ऐसा सेट बताओ एक तो सेट है ही उसके अंदर भी हमें एक सबसेट ढूंढना है और ऐसा सेट ढूंढना है वो जो रिलेटेड हो राइट एंगल ट्राइंगल के क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल पॉलीगनस है तो राइट एंगल ट्राइंगल बताओ दिया कुछ भी बताओ क्योंकि ये तो सेट ऑफ पॉलीगनस है इससे क्या निकल के आएंगे या तो ट्राइंगल्स निकल के आएंगे या क्वारिलेटल निकल के आएंगे या फिर पेंटागन निकल के आएंगे या हेक्सागन निकल के आएंगे ठीक है ऑक्टागन निकल के आएंगे तो ट्राइंगल से रिलेटेड कौन से वाले है इसमें ट्राइंगल ही है तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स क्योंकि उसने खुद भी क्या कहा है कि एक ऐसा सेट निकालो ए से जो राइट एंगल ट्राइंगल थ्री फोर फाइव जिसकी साइड है उससे रिलेटेड हो तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है तीन साइड और तीन साइड वाले इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल्स हैंट ठीक है

उसने related, जो क्वेश्चन तो में दिया हुआ था रिलेटेड जो इस के है. तो सुनो, ये तो प्लस सी की फॉर्म है अगर इसकी पैरल लाइन्स होंगी तो स्लोप सेम होगा सिर्फ इंटरसेप्ट चेंज होगा तो मैं कोई भी एक आर्बिट्री कॉन्सेंट दे रहा हूँ डेट इज c और c की वैल्यू चेंज करते रहो इसके साथ पैरल लाइन्स आती रहेंगी ठीक है तो वीडियो टू नोट इट डाउन एंड फिफ्टीन क्वेश्चन है और ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ यार मे बी मेरे से करवाओगे क्या इसमें बताना सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव क्या है उसे छोड़ो uh, एक तो आप रिलेशन एंड फंक्शंस या कोई भी चैप्टर की अगर एक्सरसाइज कर रहे हो ठीक है तो एक तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास बुक होनी चाहिए और आप क्वेश्चन को पहले खुद अटैम्प्ट करें इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट देन अगेन पुश द प्ले बटन ठीक है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन ठीक है एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू आल्सो शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम ऑफ इट ठीक है एंड पॉजिटिव नोट इट डाउन